फडणवीस का दावा, टाटा एयरबस के अधिकारियों ने कहा था महाराष्ट्र में निवेश का माहौल नहीं। जूही चावला ने कहा मुंबई की हवा में सीवर जैसी बदबू, देवेंद्र फडणवीस ने नसीहत दे डाली। हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन में रेल नीर वाटर बॉटल की कमी। महाविकास आघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र की छवि खराब की, इसकी वजह से बड़े प्रोजेक्ट बाहर गए, फडणवीस। फसल का नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम को बुलाएगी महाराष्ट्र सरकार। विरोधियों के झूठे आख्यान, महाविकास आघाड़ी की विफलता का दोष देने हमें देने की कोशिश की जा रही है, देवेंद्र फडणवीस। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक ने बढ़ाया पर्यटन, इंदौर में होटलों की 30% बुकिंग बढ़ी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, तबीयत खराब, अस्पताल में हुए भर्ती, मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उद्धव ठाकरे की अनुमति से किशोरी पेडनेकर करेंगी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात। देश में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट XBB के केस लगातार बढ़ रहे हैं, अब तक इसके 380 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 8 साल की बच्ची से मौलाना ने किया था गंदा काम, मिली 20 साल जेल की सजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक नागपुर से पुणे जाने वाले लोगों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। गडकरी ने कहा कि नागपुर से पुणे जाने वाले लोगों के लिए सफर का समय घटकर 8 घंटे रह जाएगा। अभी इस सफर को तय करने में 14 घंटे का तक का समय लगता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी तेलंगाना में है, इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेगी और फिर मध्य प्रदेश।